जी हमारे साथ निर्मोही अखाड़ा के धीरेन्द्र दास महाराज जी जुड़ गए। धीरेन्द्र दास महाराज जी जय श्री राम। 28 साल बाद 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। उनके ऊपर जो बाबरी विध्वंस का मुकदमा चल रहा था उस मामले में मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण अडवाणी, साध्वी रितंबरा सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? और जैसे हमारे लिए तो मंदिर ही था, मंदिर बनाने के लिए सब प्रयास किए, वो सफलता मिला, सौभाग्य रहा है सबको। जी छोड़ दिए, बड़ा अच्छा था। आप उस दिन कहाँ थे जिस समय ये बाबरी विध्वंस हुआ? हम अपने स्थान पर ही थे। आपकी क्या स्मृतियां हैं उस दिन की? हमारे लिए जो राम जी ने किया सब ठीक ही किया, और जो हो रहा वो भी ठीक ही है। अब अगला क्या देखते हैं, अगला कदम क्या दिखाई दे रहा है? देश में सब लोग जिसे सद्भावना प्रेम बन गया, सब सुरक्षित हैं। जितने प्रेम बन रहा राम जी जो किए हैं सब ठीक ही कर रहे हैं। तो अब अयोध्या में भव्य मंदिर की तरफ सभी की निगाहें हैं। हम लोग और क्या है, तो सब देश में सब प्रेम बन गया, सब पूरे विश्व में सबको एक करा लिया गया, तो राम जी सब ठीक ही कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास चल रहा। 6 दिसंबर 1992 को जब ये पूरा मामला हो रहा था, अब एक मंच सजा हुआ था, कार सेवा हो रही थी, अशोक सिंघल थे, साक्षी महाराज थे, मुरली मनोहर जोशी थे, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो विवादित ढांचा ढह जाएगा। आपको लगता है उसके बाद ही पूरी इतिहास बदल गया? वो तो राम जी जो किए ठीक किए, जैसे हम लोगों के लिए तो मंदिर ही था, मंदिर वाला काम सब हो गया, सब ठीक ही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा नेता विनय कटियार जी। विनय कटियार जी, सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। 32 लोग 28 साल पहले 6 दिसंबर 1992, मेरे ख्याल से जैसे ये फैसला आया होगा सब कुछ आपकी आंखों के सामने घूम गया होगा। कैसे बीते ये 28 साल? प्रसन्नता से चलते रहे, जैसे चलना चाहिए वैसे चले, लेकिन 28 साल झेला बहुत है जी। बोझ था कि कांग्रेस ने कैसे फंसाया है, कैसे सीबीआई का दुरुपयोग करती है, इसका नमूना दिखाई दिया। पांच भाजपा की सरकार ने गिरा दी। हाँ जी, नहीं ये झेला शब्द जो है, क्या ये आपको लगता है राजनीतिक तौर पर सीबीआई का पूरा प्रपंच रचा गया, दुरुपयोग किया गया? हाँ पूरा। कहाँ लगा कि यार ये क्या हुआ, मैं अब राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर टूटने लगा हूँ, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं ऐसा नहीं। किसने ताकत दी, कौन सी वो बातें थी जो ताकत देती थी? ताकत सब प्रभु राम जी देते हैं। जी, अब अगला, अगर ये हायर कोर्ट्स में जाते हैं तो आपकी क्या रणनीति होगी? अब जो होगी तब देखेंगे, पहले एक तो सीढ़ी पार की। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में आप कहीं मंच पर नजर नहीं आते, केंद्र में नजर नहीं आते। चलिए, आप पंजाब के श्री नवोदय टाइम्स से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।